हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वेट लूज फास्ट रेनू ठाकुर। आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि वेट लूज करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी और डिनर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई या फिर पैन, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर एक छोटा चम्मच देसी घी। घी के गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे यहाँ पर हींग और जीरा। इन दोनों चीज़ों को हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से भून लेना है। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर लो टू मीडियम रखना है। लाइट ब्राउन होने तक जीरे को हम लगातार इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। जैसे ही जीरा और हींग यहाँ पर भूनकर तैयार हो जाएंगे, इसी के साथ हम इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और उनकी मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी प्यूरी यहाँ पर तैयार कर ली, और इस प्यूरी को हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। प्यूरी को डालने के बाद हमें इसे यहाँ पर ओपन कुक करना है, अच्छे से इसको हमें यहाँ पर पकाना है। और अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जैसे कि सेंधा नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला। इसके बाद हम इनको यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो सभी मसाले हैं वो प्यूरी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। जब हम वेट लूज जर्नी पर होते हैं तो हम यहाँ पर लिमिटेड मसालों का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी वेट लूज जर्नी पर हैं और जल्द से जल्द अपना वजन कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ मसाले हैं जो कि आपको चेंज करने होंगे और वेट लूज करने में वो आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है हरी मिर्चों का। टमाटो प्यूरी के साथ मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें इसमें पीस ली थी, तो मैंने हरी मिर्चों का ही इसमें इस्तेमाल किया है। इसी के साथ सेंधा नमक का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है जो कि वेट लूज करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। ये देखिए, प्यूरी हमारी यहाँ पर पककर तैयार हो चुकी है। 2 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर एग प्लांट यानी कि बैंगन। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के बैंगन लिए और उनको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया। और इस पूरी रेसिपी में आप देखेंगे हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ टमाटो प्यूरी है जो कि हमने यहाँ पर यूज़ की है। बैंगन इसमें डालने के बाद हम इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो बैंगन के क्यूब्स हैं वो अच्छे तरीके से टमाटो प्यूरी के साथ यहाँ पर मिक्स हो जाए। इसको हमें यहाँ पर लगातार 1 मिनट के लिए ओपन कुक करना है। अभी हम यहाँ पर लिड नहीं लगाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हम लो कर देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो कि वेट लूज करने में हमारी बहुत तेज़ी से हेल्प करती है। लो कैलोरीज होती है, हाई फाइबर होती है, और जब हम बैंगन खाते हैं तो इसको खाने के बाद लंबे समय तक हमें भूख भी नहीं लगती है, हमें काफ़ी लंबे समय तक फुल फील होता है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप वेट लूज जर्नी पर हैं तो आपके लिए डिनर का बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए, यहाँ पर हमने इसको लिड लगा दिया है, और लिड लगाने के बाद हमें इसे यहाँ पर लगभग 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर एकदम लो होना चाहिए। 10 मिनट के बाद जब हम यहाँ पर लिड हटाकर चेक करेंगे, ये देखिए 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये रेसिपी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। पानी हमने बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, लो फ्लेम पर हमने यहाँ पर 10 मिनट तक इस सब्ज़ी को पकाया है, और 10 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैश कर रही हूँ क्योंकि मैश करने के बाद जब हम इसको खाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। बाकी ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर मैश कर रही हूँ आप ना करें। अगर आपको पसंद नहीं है, आप क्यूब्स में जैसे कि हमने कट किया है वैसे भी इसको यहाँ पर ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारा डिनर तो तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर लेंगे हरा धनिया। मैं वेट लूज जर्नी पर होती हूँ तब भी और नॉर्मली भी मैं धनिया जो है वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेती हूँ, तो हरा धनिया हम यहाँ पर लेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, इसको हम यहाँ पर इसमें मिक्स कर देंगे। धनिया को डालने के बाद वापस से हम इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो धनिया है वो पूरी सब्जी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आपको सब्जी में हरा धनिया पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप वेट लूज जर्नी पर हैं या वेट मेंटेनेंस पर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हरा धनिया नॉर्मली भी अपनी लाइफ में आप ज़रूर ऐड कीजिए अपनी डाइट में। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। मैं अपनी डाइट में हरा धनिया ज़रूर लेती हूँ, और आपने देखा होगा मेरे चैनल पर जितनी भी हमारी सॉल्टी रेसिपीज़ हैं तो उसमें हरे धनिया का इस्तेमाल जो है मैं कितना करती हूँ वो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। तो मेरी तो कोई भी रेसिपी है वो हरे धनिया के बिना अधूरी है। तो ये देखिए, डिनर हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। अब फटाफट से हम इसको यहाँ पर एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम एक बाउल, और बाउल में हम इसको यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म डिनर हमारा बनकर तैयार है, देखने में यम्मी लग रहा है ना। आप इसको बनाकर खाइए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। मैं इसको लेती हूँ तो इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं वेट लूज जर्नी पर थी तो उस टाइम पर मैंने अपने डिनर में इस रेसिपी को भी लिया था। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, और आप इसको एक बार इस तरीके से बनाकर खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और वेट लूज करने में तो आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप वेट लूज जर्नी पर हैं और जल्द से जल्द अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारे चैनल पर नई रेसिपी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।